उनके साथ मैं बहावल नगर आया और उस वक्त ग्राउंड देखा इतना बड़ा, और आज फिर वही ग्राउंड माशाल्लाह दोबारा देख रहा हूँ। आप लोगों का इस्तकबाल हमने किया, हमारे मुल्तान से आए हुए मेहमानों का, दूसरे शहरों से आए हुए मेहमानों का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आप लोगों की मोहब्बत यहाँ पर देखी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का इलाज, आप लोगों का इतिहाद यहाँ पर देखा, बड़ी खुशी हुई। और मुझे उम्मीद है यही इतिहाद और यही जबात आगे मुस्तकिल में यूं ही चलता रहेगा। एक सरदार यासीन जो पूरे पाकिस्तान का लीडर, हमारी कौम का लीडर, जिसका दिल में हमारी कौम के लिए मोहब्बत, उसको क्या पड़ी है कि हमारी कौम के लिए जो इतने इंतजाम, सहूल, दस्तकारी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, जो हमारी कौम के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उसको क्या ज़रूरत है? उसको इज्जत की कमी है? उसको ना इज्जत की कमी, ना दौलत की कमी, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं, उसको कमी है तो अपनी कौम के दर्द के लिए, अपनी कौम के लिए, मुस्तकबिल के लिए उसको फिक्र है कि अपनी कौम, हमारी कौम कुछ आगे मुस्तकबिल में बने, हमारी कौम, हमारी जमात पाकिस्तान में नुमाया नजर आए। किसके लिए? वो हमारे इस कौम के लिए, हमारे इस बच्चे के लिए, हमारे इस बुजुर्ग के लिए, हमारी उन खवातीन के लिए, उसको हमारी फिक्र है पूरे पाकिस्तान की कौम के लिए। तो हम वो लोग हैं कि हम उनके शाना बशाना चले, हम उनके हाथों में हाथ डाल के चले, हम उन्हें दिखाएं कि हम सरदार सारा अकेले नहीं, हम पूरे पाकिस्तान की कौम आपके साथ है, पूरे पाकिस्तान का बच्चा आपके साथ है, पूरे पाकिस्तान की खवातीन आपके साथ है, आप आगे चले, हम आपके पीछे चलेंगे। एक लीडर, एक कौम, एक इतिहाद, एक यकीन, एक पाकिस्तान, एक खून, हम सब मिलकर आज सरदार साहब के लिए वादा करते हैं, हम सरदार साहब का साथ देंगे हर मामले में, हर मुश्किल घड़ी में हम सरदार साहब के साथ हैं, हम हर मुश्किल वक्त में सरदार साहब के साथ हैं। सरदार साहब अकेले नहीं, सुन ले मासी साहब, सुन ले अहदेदारान साहब, आप लोगों की मेहनत आज रंग लाएगी। और ये जमात अप्रैल में वो ऐलान करने जा रही है जो पूरा मुल्क देखेगा, हमारी जमात वो जमात बनने जा रही है मुस्तकबिल में, जो पूरा मुल्क देखेगा, पूरा मीडिया देखेगा, पूरा पाकिस्तान देखेगा। एक मैसेज पूरे पाकिस्तान की कौम के लिए, भावल नगर के शहरों के लिए, कस्बों के लिए, भावल नगर के बच्चों के लिए एक मैसेज, फैल जाओ इत्तेहाद पैदा करके और दिखाओ अपनी कौम का, अपना मुस्तकबिल बन के दिखाओ। सरदार साहब का लीडर, सरदार साहब लीडर, हमारे लीडर, हमारा सरदार साहब का नाम, हमारी पूरी कौम का नाम, हमारा नाम पूरे पाकिस्तान का नाम, पूरी कौम के बच्चों का नाम, हमारा मुस्तकबिल पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसलिए आप फैल जाओ और कुछ करके दिखाओ, कुछ निकल के दिखाओ, इत्तेहाद पैदा करके अपनी ताकत दिखा के हमारी अब आने वाले अप्रैल में हमारे मुल्तान में जो ऐलान हो रहे हैं मुस्तकबिल के लिए, वो बहुत बड़े ऐलान हैं। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा बहावल नगर के लिए और हमारी जो यूथ तैयार हुई है, यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज, क्या अप्रैल में वो इजलास पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान, आज पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, सिंध से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है आप लोग सब इकट्ठे होकर वो मुल्तान में वो ताकत दिखा दो, वो जमात दिखा दो जो पूरे पाकिस्तान की मीडिया, पूरा पाकिस्तान का कौन देखेगा कि हम लोग क्या हैं, हम लोगों की ताकत क्या है, हम लोगों का मकसद क्या है, हम लोगों का यकीन क्या है, हम लोगों का इत्तेहाद क्या है, जो पूरा पाकिस्तान देखेगा। मेरी गुजारिश है यूथ, यहाँ के यूथ के जवान के लड़के अपने बुजुर्गों का साथ दें, बुजुर्ग आगे यूथ पीछे, बुजुर्ग आगे यूथ पीछे, और यूथ वो काम करके दिखाए अप्रैल में, वो लोग यहाँ पर सारे वर्किंग करें और अप्रैल में मुल्तान में इजलास होगा, बहुत बड़ा इजलास होगा जो आल पाकिस्तान कन्वेंशन होगा। मेरी मुख्तलिफ समाजी पार्टियों से रबते हुए, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से रबते हुए, जो अप्रैल में इजलास कर रहे हैं और बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुल्तान में आके वो
خواتین کا اجلاس بن رہا ہے، ہمارے خواتین کا جو دن بن رہا ہے، ہماری خواتین کا اجلاس ہوگا ملتان میں، وہ اتنا بڑا اجلاس ہوگا کہ آپ یہاں پر بہت دکھائے، اتنی بڑی کوانٹٹی نکلے، اتنے بڑے لوگ نکلے، ایک گھر سے کوئی بچے نہ نکلے، اور دکھا دے پورے پاکستان کو ہماری جماعت کتنی بڑی جماعت ہے، ہماری طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ میں امید کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم لوگ نکلیں گے گھروں سے اپریل میں، اپریل کے اینڈ میں۔